भरतपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के कारण चल रहे लॉकडाउन में मूक पशु पक्षियों को भोजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए लुपिन फाउंडेशन ने पहल की है। सोमवार को पशुओं के लिए 4 जगह चारा डाला गया, इसे बढ़ाकर 9 स्थानों पर किया जाएगा। इसके साथ ही बंदरों और पक्षियों के लिए भी भोजन उपलब्ध कराने का कार्य भी मंगलवार से शुरू होगा। तो चारे में इसमें खल सरसों के मिलाना बहुत आवश्यक है, तो सीताराम गुप्ता जी ने मुझे इसके लिए कहा, तो हमने कहा खल की व्यवस्था हम पूरी कर देंगे। मैं अपनी फैक्ट्री की ओर से जितनी भी खल की आवश्यकता होगी इसमें पूरी तरह उपलब्ध कराएंगे उसके लिए हम, क्योंकि पशु को फिर प्रॉपरली न्यूट्रिशन हो जाएगा, उसमें खल मिलाना बहुत आवश्यक है, तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बताएं सर, जैसा कि इस लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति में दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी का काफ़ी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि भरतपुर के व्यापारी, भरतपुर का आम नागरिक, भरतपुर के स्वयंसेवी संगठन मिलकर आपस में ऐसी लोकेशंस में जहां पर काफ़ी आवश्यकता है वहां खाने के पैकेट दे रहे हैं, कई लोग राशन किट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद ही भरतपुर में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भूखा सोया होगा, और आज पशुओं के लिए भी लुपिन के श्री सीताराम जी ने अनूठी पहल की है, तो मैं समझता हूं कि पशु पक्षियों को भी इससे काफ़ी फायदा होगा, और जो आवारा घूमते रहते हैं और भूखे घूमते रहते हैं तो एक तरह से ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। हम इस समय काफ़ी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस ओर हो सकता है ये सेवा देख कर और ये हमारा जज्बा देख कर इस स्थिति को नियंत्रण में करेगा और हालात जल्द ही सामान्य होंगे। हम ये देख रहे थे कि जो गरीब इंसान हैं, जो ज़रूरतमंद इंसान हैं, उन पर जो संकट की घड़ी आ गई है उसमें तो जिला प्रशासन और बामा साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि सरकार, समाज और सिविल सोसाइटी मिलकर अगर काम करती हैं तो इससे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन जो जानवर हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था थोड़ा सा, और पशु पक्षी हैं, उसके अलावा बंदर हैं, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान में रखते हुए आज एक मुहिम शुरू की है कि जो पशुओं का चारा है इनको दिया जाएगा। और खुशी की बात यह है, कृष्ण कुमार अग्रवाल जो होम इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक आप पशुओं का चारा देंगे जब तक सरसों की खल मैं आपको फ्री देता रहूँगा। तो इस तरह जनभागिता के हिसाब से प्रोग्राम